स्पेशल फील कराया हमें। बहुत सारे कांटे भी होते हैं तो 10 कदम पे नदी भी है। आज ये नाखून टूट गया। तो ये है रोज बनाया है। सर नमस्ते सर। हैप्पी बर्थडे। तेरी आंख कितनी अच्छी लग रही है इसमें। शिट यार, तो लक्ष्य ने मुझे बचा लिया। मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। सुबह के बज चुके हैं 7:30 और मुझे ऐसा लग रहा है काफी समय बाद, मुद्दतों बाद मैं इतनी जल्दी उठी हूँ। और मैं उठी इसलिए हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं शूट पे और शूट है बहुत ही दूर यहाँ से, 60-65 किलो अभी हम किलोमीटर हमें जो है ट्रेवल करके जाना है। तो यहाँ पे जो है हमारे रेस्ट की पूरी सुविधा हो चुकी है और अरमान जी चप्पल उठाते हुए गोलू की और चीकू को ऊपर चढ़ाते हुए पहुंच गए अपनी वैनिटी में। और क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है। अभी चीकू के पापा ने बताया कि जो हमारा टेक है ना वो 3 घंटे बाद है, तो तुम अभी रेस्ट कर लो। तो पहले कुछ खाने को मंगवाया है, कुछ खाते हैं पीते हैं। और पाली यहाँ पे रेस्ट कर रही है, उस साइड मेरी जगह है, तो वहाँ जाके मैं रेस्ट करूंगी। तो आज की जो हमारी वैनिटी है ना काफी स्पेशियस है, मतलब लास्ट टाइम क्या है जितनी भी वैनिटी में हमारा शूट हुआ है ना उसमें ये वाला सोफा नहीं था और थोड़ी सी ना स्पेस की प्रॉब्लम थी, बट ये वाली जो वैनिटी ना अंदर से दिखाती पूरी उठ के काफी स्पेशियस है। जैसे ये पूरी स्पेस हो गई, साथ में इसके जो अंदर स्पेस है वो भी काफी स्पेशियस है। तो घर से निकलते हुए पान ने बोला था कि गुल्लू ब्लैंकेट भी ले ले, तो मैंने ब्लैंकेट भी ले लिया था। तो आज मैं चीकू का कोना भी लेकर आई हूँ शूट में ना। चीकू कोना मंगवा दूँ? फिर सो जाएगा। तो अभी डेढ़ दो घंटे की नींद पूरी हुई है और बहुत अच्छा लगा है क्योंकि सुबह सुबह हम लोग उठ गए थे 7 बजे, 6:30-7 बजे उठ गए थे शूट के लिए निकलने के लिए। तो अभी सो के ना बहुत अच्छा लगा है क्योंकि सोते ही नींद आ गई थी, नींद पूरी नहीं। रात को भी पूरी टाइम चीकू के कान में दर्द होता रहा, तो उसको मैंने हल्दी तेल वगैरह लगाया, फिर उसे भूख लगी, उसे दूध दिया, फिर उसे नींद ही नहीं आई 4 बजे तक, फिर उसके साथ लेटी रही, इसलिए नींद पूरी नहीं हो पाई आज। तो गाइस हमारे प्रोडक्शन वालों ने इतने प्यारे मग्स बनवाए हैं हमारे। और ये वाली जो फोटो है ना मेरी, ये रिसेंट फोटो है, इसमें मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर जो गोलू की फोटो है ना, गोलू भी शायद प्रेग्नेंट है 1-2 महीने। हाँ अच्छा, कश्मीर की है, उसमें गोलू को पता नहीं लगा था वो प्रेग्नेंट है, वो तब की है। तो बहुत ही स्पेशल फील कराया हमें ना हमारे प्रोडक्शन वालों ने, इतने प्यारे कप बना के दिए हैं। और अभी जो चाय कॉफी है ना हमें इसी में पीनी है। वैसे जब भी हम शूट होते तो हमें इतने से वो कागज के वो होते हैं ना उसमें चाय कॉफी पीनी होती है, पर इस बार जो है ना बहुत ही अच्छा लगा इन्होंने, इतना प्यारा सा मग बनाया हमारे लिए। तो यहाँ पे इस साइड पे चीकू सोया था और जो मैं इस साइड पे सोई थी इधर, तो मुझे ना पंखे की जो हवा है ना वो कम लग रही थी, वो चीकू को लग रही थी। तो मेरी जो गर्मी के कारण मेरी नींद खुल गई और चीकू की जो नींद खुल गई है उसे नींद पूरी हो गई। तो चीकू तो चला गया अपने चच्चू के साथ, मैं यहाँ बैठ के बोर हो रही हूँ। तो गाइस मैं आई हूँ यहाँ पे गोलू के साथ, हम लोग आए हैं फ्रेश पेड़ से टूटे हुए बेर खाने। और ये बेर बहुत टेस्टी है, मैंने बचपन में बहुत तोड़े हैं पेड़ों पे चढ़ के। और बेर के पेड़ पे बहुत सारे कांटे भी होते हैं, तो ध्यान से छोटे छोटे भाभी नींबू बोलते हैं इसको। अरे बड़े तोड़ो ना, वो रहा वो मेन नजर जा रही है बहुत। ये गुलट्टा से दे दे। अरे वाह कितना टेस्टी है ये गुलट्टा, बहुत टेस्टी है। पेड़ पे लगाओ भैया। ये भैया ने छतरी पकड़ी हुई थी, भैया कह रहे मैं तोड़ के लाता हूँ। तो यहाँ धीरज भैया ने हमारे लिए छतरी पकड़ ली है कि हमें धूप ना लगे। थैंक यू भैया। तो धीरज भैया हमारे लग गया कांटा, मैंने कहा था कांटा होता है इस पे। हाय रे पिया अरे हाँ। तो यहाँ पर ना मैं पायल को ना टेस्ट कर करके बेर दे रही हूँ। पायल टेस्ट कर, मैंने टेस्ट करा बहुत टेस्टी है ना। अरे बेचारा हैप्पी बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे बॉय, खाली बर्थडे बॉय है, खाली बर्थडे बॉय। क्यों हैप्पी बर्थडे बॉय नहीं होता? खुश बर्थडे बॉय है, हैप्पी बर्थडे बॉय होता है, हैप्पी बर्थडे बॉय होता है, बर्थडे बैश बॉय। और चीकू कह रहे हैं मम्मा मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा। नितिन खाऊंगी मैं, नीचे गिरे हुए नहीं खाऊंगी। पाल यार नितिन भैया कितनी ऊंची चढ़ गए ना। अरे भैया गाना याद आ गया, ऊंची उड़ान का परिंदा हूँ मैं। हाँ भैया मैं नीचे से खड़े होके ऐसे तोड़ रहा हूँ। अच्छा नितिन भैया ने कैच कराया झूठा, दे दे अब देखो देखो कैच करा रहे पायल। इन लोगों ने तो पेड़ ही नीचे कर दिया पूरा। नहीं भैया ज्यादा हो जाएंगे, अंगूर का गुच्छा ये पूरा। घर भी ले चले क्या भाभी? अरे पायल की तो पूरा पन्नी भर दी तुम लोगों ने। तो यहाँ पे ना सारे लोग लग गए, देख सकते हो सारे लोग लग गए। और देखो कितने सारे गोलू बेर पकड़ मेरे हाथ में भर गया है, देखो कितने सारे बेर आ गए भाभी। इसको लो इसको, ये देखना भाभी पूरी डाली ले, भाभी डाली लेके जा रहे हो को, देखो कैसे भाभी देखना वो नहीं मोगली लग रहा है। ये देखो भैया मोगली देखा है, जंगल फूल खिला है, पता चला है। अच्छा पता चला। चीकू बस नहीं रहने दो, बस हो गया, आ जाओ। बहुत सारे ले लिए हमने, बैग भर लिया पूरा, आज का कोटा फुल है भाभी। 10 कदम पे नदी भी है एक। कोई नहा भी रहा? हाँ भाभी मछली है उसमें भाभी, लगता बड़ी नदी है।
चले भाभी जा रहे हो। मैम हम बहुत खुश हैं आप हमारे गांव में आए विजिट करने। आइए हम आपको हमारे गांव की सबसे बड़ी नदी दिखाता हूँ। भाभी भैंस नहीं हो गाय है। क्या हो गया भाभी? गहरी नदी लग रही है। तो भाभी उसमें जाना थोड़ी अंदर, बस देख लो ऐसे दूर से ही। बस देख ली, दूर से देख ली। बहुत बढ़िया भाई, बहुत दूर से देख, बहुत बढ़िया। चलो ठीक, बहुत बढ़िया, मस्त है। चलो चलो ठीक है, ठीक है, गाड़ी मोड़ दो। गन्ने लगे हुए क्या भाभी? नहीं ये ज्वार है, ज्वार ये ज्वार है, भैंस की चारा होता है भाभी, चारा चारा। भाभी सेक्रेटरी कौन है? मेरे पीछे। अच्छा मैनेजर तो है। इंस्टाग्राम हैंडल करते ना भैया, नीरज गुप्ता। भैया कैसे हैंडल करते हो, मतलब कैसे, कितना माइलेज कर देता हूं? देख रहे हो भाभी, ये भी आर्टिस्ट लगता है। मैंने सिर्फ ऑल इन वन है। नो कैमरा भाभी। मैडम नो कैमरा प्लीज, बर्थडे उसका। हां अच्छा बर्थडे। मैम आप एक बार यहां पे विजिट करेंगे हमारे यहां पे? तो मेरा चीकू बच्चा ना मेरे लिए पेड़ तोड़ने के लिए पेड़ के पास चढ़ा था। देखो गाइस कितनी सारी चोटें लग गई मेरे बच्चे को, वो दर्द भी हो रहा है मेरे शोने काका को। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए चढ़ा था, है ना। और ये जो मूवी है ना, ये गाइस दूसरी या तीसरी बार देख रहा है, स्टुअर्ट लिटल, क्योंकि यहाँ पे बोर हो रहा है। और यहाँ पे चाय जो है हमारी आ चुकी है। चीकू नाराज है क्यों? क्योंकि इससे कप नहीं आया, तो हमने प्रोडक्शन वालों को बोला आधे घंटे के अंदर। तो अभी वो छपवा के लेके आ रहे हैं बेटा आपके लिए। तो गाइज आप देख सकते हो मेरा एक और नाखून निकल गया, मतलब पहले ये निकला था, और देखो ये मेरे जले हुए अंगूठे की हालत है। तो मेरी तो बहुत बुरी हालत है, आज ये नाखून टूट गया, तो ये वाला हाथ कुछ ऐसा हो गया। तो चीकू के पैर में ना जलन हो रही है। चीकू मुझे कह रहा है मम्मा आप ऐसे हाथ फेरते रहो, मुझे ठीक लग रहा है। तो मैं इसके यहाँ पे ऐसे हाथ फेर रही हूँ, और सच में ये कांटे लगे हुए ना, चीज बहुत मचती है इसमें। मेरे को भी बचपन में मैं चढ़ जाती थी पेड़ पे ना, और ऐसी चीज से मचती थी बहुत ज्यादा, क्योंकि कांटे बहुत तीखे होते हैं। और मैं तो ये तो बहुत झाड़ सा था, छोटा सा था, मैं तो बहुत बड़े बड़े पेड़ों पे चढ़ी हूँ। ये लगा लो मैंने अमरूद तोड़ के खाए हुए हैं, जामुन तोड़ के खाए हुए हैं, शहतूत तोड़ के खाए हुए हैं, बेर तोड़ के खाए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, देख रहे हैं मान जी का टेक चल रहा था अभी, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करी उन्होंने भी। हम आपको दिखा नहीं सकते, गाना जब भी आएगा तब देख लेना। तो इनके जो लुक है ना वो रिवील नहीं कर सकते, और जब गाना आएगा तब लुक रिवील होगी। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मेकअप करवाने के लिए, और क्या बोलते हैं ड्रेस हमने निकाल ली है, ड्रेस हम घर से लेके आए थे। तो ड्रेस मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती, क्योंकि लुक है जो रिवील नहीं करनी गाने से पहले। लुक आपको दिखेगी मेरे पाल की गाने के बाद। तो अभी मैं मेकअप करवाती हूँ, फिर मेकअप करवाते हुए मिलती हूँ। तो यहाँ पे हमारा सिंपल परांठा, अचार, चाय फिर से आ गई है, क्योंकि हमें खानी है दवाई, और दवाई के बिना गुजारा नहीं है, इसलिए फटाफट से खा लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो मेकअप है ना वो हो गया डन। तो थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ये मेकअप हुआ है, और जो मेरा हेयर डू है आज काफी डिफरेंट हेयर डू है, आगे से सेम है, पीछे से थोड़ा डिफरेंट है। भैया ने मतलब इन्होंने हेयर डू करा है, तो इन्होंने मेरे पीछे फ्लावर सा बनाया, तो मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो है रोज बनाया है गोलू के, गोलू पूरा दिखा। तो ये है रोज बनाया है पूरा, बहुत ही सुंदर लग रहा है, छोटे से बाल है गोलू के पर सही लग रहा है। तो बाल का भी जो मेकअप है ना डन हो गया एकदम, और हेयर डू बाल को अच्छा नहीं लगा था, तो हेयर डू हमने खुलवा दिया, बिल्कुल सिंपल सा कर रही हूँ। एक्चुअली क्या ना मेरा फेस पड़ा है, और जो हेयर स्टाइल किया था ना वो उससे और बड़ा लग रहा था, उससे ना और बड़ा लग रहा, क्योंकि पीछे पूरे चिपक के थे बाल। सर नमस्ते सर, चिराई को देखा? नहीं तो आप तो बिल्कुल कुछ खा पी नहीं रहे हो है शूट पे, घर पे खाओगे। तो भाई ये जो चीकू है ना, इसकी ना दो चीजें बहुत गंदी है, ये बहुत ही गंदा बच्चा है। क्या करता है रात को जैसे हम डिनर कर रहे होते ना, उस टाइम नहीं खाएगा, उसके मना कर देगा। उसके बाद जब सो रहे होते ना, कहेगा मम्मी एक बात बोलू, मना तो नहीं करोगे? गॉड प्रॉमिस, मम्मी कसम, पापा कसम। तो हम बोलते हैं हाँ बोलो, दूध दे दोगे, एक रोटी खिला दोगे, यही होता है कि नहीं? रोज कितनी बार बोलता है दिन में ये बात जो मैंने बताई है? तो तूने दादी कसम, दादी कसम। अच्छा स्टार्ट कहाँ से करते हैं? मम्मी मना तो नहीं करोगे? मना तो हम सब मजाते हैं। क्या होगा भाभी? दवाई भी खाली दे रही है। देख तो नहीं सुनी? ये दवाई मैं अपनी डालने के लिए मैंने, तो वहाँ से ले लेती पानी, मैंने पानी कम किया है ना भाभी, कम नहीं हो सकता था दवाई मुंह में तीन के भाभी दवाई का किरकिरा कर दिया मूड। तो मैंने पहना है अभी ये वाला कुर्ता, और मैं इसमें वीडियो बना रही थी गाइस। तो ये जो कुर्ता है ना 42 साइज है, और ये इतना ज्यादा टाइट हो रहा है मुझे, लेकिन बहुत ही सुंदर इसका जो डिजाइन है, कलर है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है मुझ पे। और मैंने शूट के लिए ना आज लेंस भी लगाए हैं, आप बताना लेंस कैसे लग रहे हैं? आउटफिट ये नहीं है शूट का, शूट का आउटफिट दूसरा है, ये मैंने वीडियो बनाने के लिए पहना है। तो गाइस अभी बज गए हैं शाम के 7, और हर जगह ना अंधेरा हो चुका है, हर जगह अंधेरा हो चुका है। तो हमारा जो सीन था ना, वैसे तो हमारा सीन 5 बजे का था शाम के, बट चलते 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 शाम के 7 बज गए, हम कब से रेडी हैं, बहुत देर हो गई है। तो अभी हम दोबारा ना अपने सेट पे जा रहे हैं, और सेट पे जाके देखते हैं क्या सीन है, क्योंकि नींद नहीं आ रही वैनिटी में, थोड़ी देर सो गए थे दोपहर को, बड़ा बार बार नींद नहीं आ रही है। सुबह जब हम घर से आए थे ना, हम तो बहुत ज्यादा थके हुए थे, क्योंकि सुबह बहुत, एक तो 4:30 बजे सोई थी मैं, ऊपर से हम उठ गए थे 7 बजे, तो 2.5 घंटे की नींद पूरी हुई थी। और यहाँ पे क्या था, छोटा सा वो है सो
सोफा, मतलब थोड़ा सा बड़ा सोफा होता ना तो हमें सोने में थोड़ा इजी होता, क्योंकि टम्मी की वजह से ना हम सोफे पे भी फिट नहीं हो पाते ढंग से, तो इसलिए नींद भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर बैठे बैठे पैरों में सूजन हो रही है, तो बहुत ज्यादा हमें तकलीफ हो रही है। पर बस ये है कि जैसे ही अब ये शूट का टेक देके हम घर निकल लेंगे, और ऑलमोस्ट वैसे तो गाने का शूट कम्प्लीट हो ही चुका है, बस हमारा ही टेक बाकी है। तो हम ये सोच रहे हैं जब तक हमारा टेक नहीं हो रहा तब तक हम अनुज भैया का बर्थडे केक जो है वो कटवा देते हैं, क्योंकि उनका भी बर्थडे फिर खत्म हो जाएगा और केक रह जाएगा धरा का धरा। तो पहले केक कटवा देते हैं, उसके बाद जो है हम अपना टेक देंगे। केक कटवाने के लिए हम लोग आ गए हैं उस वाली लोकेशन पे जहाँ लाइट वगैरह अच्छे से प्रॉपर है। तो यहाँ पे आ चुका है अनुज भैया का केक, बर्थडे केक, और कैंडल भी लग चुकी है, बस जल्दी बाकी। ये पहचान चीज लागे पूरे का केक मत खाना। लो अनुज भाई। तो अनुज का फाइनली केक भी कट चुका है और मेरा टेक भी हो चुका है, बस अब लग रहा है बस आधे घंटे का शूट और बाकी है, उसके बाद हम निकलेंगे घर के लिए। दीपक भी घर पे अकेला, कितनी बार उसका कॉल आ गया, दीदी कब आओगे कब आओगे कब आओगे। तेरी आंख कितनी अच्छी लग रही है इसमें, अच्छी लग रही है, तेरी आंख बहुत अच्छी लग रही है, वन पे करा है, लेंस लगाया ना, मस्त लग रही है मस्त। तो आज फाइनली रोली और शांति भी आ गए हैं, तो कल से जो है हम चैन की नींद सोएंगे, 12-1 बजे तक सोएंगे, जब उठाएंगे ना चाय पानी के लिए तभी उठेंगे। क्या हुआ गोलू है, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मैगी बनवाई थी मैंने, ऐसी मैगी चिप चिप मैगी थी ना, मैगी अच्छी नहीं थी प्रोडक्शन की, पर राजमा बहुत टेस्टी थे। राजमा तो आज मैंने भी खाया गाइस, मैं कभी राजमा नहीं खाती लाइफ। दोपहर का लंच मस्त था गाइस, मैंने किया, सुबह का नाश्ता भी सही था परांठे वाला, तो मैगी अच्छी नहीं मिली, तो मैं सोचू कुछ मंगवाऊं अपने लिए। और यहाँ वहाँ पे जहाँ पे शूट चल रहा था वहाँ बैठे बैठे 3 फन फ्लिप्स भी खाई है, पीछे दुकान लगी हुई थी उस दुकान में से निकाल निकाल के खा गई। क्या हो गया बाबू, कंटर लग गया, कैसे लग गया दिखा, शिट यार, क्या करता है बेटा तू ये, दर्द नहीं हुआ इतना, दर्द मत लगा, ऐसे मत कर बाबू, इतना दर्द, ओहो इतना ज्यादा दर्द, जब पेसिंग करवाई थी ना ये वाली पेसिंग, हाँ उतनी दर्द हुआ। तो गाइस काफी देर हो गई यहाँ बैठे बैठे, और जो है यहाँ पे हमारे प्रोडक्शन हाउस ने जो है खाना बना दिया है, तो खाने में है आलू गोभी, दाल तड़का, पनीर भुर्जी, तो बस आने वाला है बेटा आपको मैं खाना खिलाने वाली हूँ। लेट दो फिर, आप लेट दो, मैं आपको लेटे लेटे खाना खिला दूँ, ठीक है? फिर बस अब निकलने वाले हैं हम घर के लिए। तो गाइज फाइनली पैकअप हो चुका है, हमारे जो 2-3 टेक थे वो हो गए कंप्लीट, अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। तो सबसे पहले वैनिटी में जाना है, वहाँ से अपना सारा सामान उठाना है, पैकअप करना है, उसके बाद निकलना, और यहाँ से हमें लगेगा तक पानी है, क्या पानी, अरे अच्छा इधर से चलते हैं। तो लक्ष्य ने मुझे बचा लिया, अच्छा तो लक्ष्य ने मुझे बचा लिया, जी को कीचड़ इधर, लक्ष्य ने मुझे बचा लिया, मैं कीचड़ में गिर जाती। तो बस अब जाते हैं और पैक करते सामान। तो पहले ना हमें गाड़ी में नींद आ जाती थी, मतलब आधे घंटे का भी रास्ता होता था ना उसमें भी हम एक झपकी लगा लेते थे, और अभी जो सिचुएशन है ना प्रेगनेंसी की उसमें बिल्कुल नींद नहीं आती है। सुबह भी पूरा बिस्तर विस्तर बना के अच्छे से तकिए वकिए कम्बल वम्बल ले के आए थे, पर वो ये है कि सुबह की जो है एक तो धूप बहुत ज़्यादा थी और कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे गाड़ी में, और अभी भी ऐसा ही है, 1.25 घंटे का रास्ता है पर नींद नहीं आ रही है, आँखों में नींद है पर गाड़ी में नींद नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ जो हमारा चीकू है ना ये सो चुका है थैंक गॉड, इसकी थोड़ी नींद भी होगी, घर जाके फिर से सुला दूँगी खाना वाना खिला के। वैसे तो खाना मैंने शूट पर भी खिला दिया था उसे, लेकिन उतने अच्छे से नहीं खाया उसने, तो घर जाके एक रोटी खिला के फिर दूध पिला के इसे सुला दूँगी। तो गाइस फाइनली घर पहुंच गए और अभी बज गए रात के 11, और इतनी ज्यादा थकावट हो गई है, इतनी ज्यादा थकावट हो गई है। आज ना इतनी बार चाय पी ली कि लक्ष्य आके पूछ रही थी और दीपक भी कि दीदी चाय बना दें, मैंने कहा चाय मत बनाओ, अगर चाय पी ली ना तो रात भर सो नहीं पाएंगे एसिडिटी की वजह से, और इस टाइम पे तो वैसे भी एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, तो नो चाय ओनली डिनर, और चेंज करेंगे और सोएंगे। तो गाइस अभी खाई है एसिडिटी की गोली, क्योंकि मेरे को एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, पैरों में ना इतनी स्वेलिंग आ गई है, पैर यहाँ से पूरे मोटे हो गए हैं। तो आज के व्लॉग को यही एंड करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक जिन्होंने नंबर 1 रिकॉर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी के सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।